नंबर वन, करी पत्ता को धोकर साफ कर लीजिए, फिर थोड़ा तेल में फ्राई करके किसी एयर टाइट डिब्बे में रख दें। जब तड़का देना हो तो बस थोड़ा डाल दें। नंबर टू, अगर पाव या ब्रेड फ्रिज में रख कर भूल गई हैं और वह सूख कर अकड़ गया है तो उसे हल्का पानी में भिगोकर 6 मिनट के लिए ओवन में गर्म कर लीजिए, वह फिर से सॉफ्ट लगने लगेगा। नींबू के छिलके को फेंकने के बजाय यदि उसे किसी बर्नी में डाल दिया जाए और उसमें थोड़ा नमक डालकर धूप में रख दे, इससे नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। नंबर फोर, दाल के स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें जीरा, राई, प्याज, टमाटर और करी पत्ता का तड़का लगा दे, स्वाद दोगुना हो जाएगा। हरी सब्जियों को फिर से ताज़ा करने के लिए ठंडे पानी में नींबू निचोड़कर उसमें सब्जियों को 1 घंटे के लिए भिगो दे, इससे सब्जियां फिर से ताज़ा हो जाएंगी। काजू, बादाम, किशमिश को एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखें, लंबे समय तक ताज़ा रहेंगे। इनमें ऑयल होते हैं, बाहर रखने पर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। चीज को स्टोर करने के लिए किसी फॉयल या वैक्स पेपर में लपेटकर फ्रिज में वेजिटेबल ट्रे में रखें, चीज लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। इसे कभी भी फ्रीजर में ना रखें, इसके स्वाद में और टेक्सचर पर असर पड़ेगा। फॉर मोर वीडियोज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।